लुधियाना की एक अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु को कथित अनाज परिवहन टेंडर घोटाले के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें पटियाला जेल भेजना पड़ा। कोर्ट द्वारा आशु को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिए जाने के बाद उन्हें लुधियाना सेंट्रल जेल से ले जाया गया। कोर्ट द्वारा आशु को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिए जाने के बाद उन्हें लुधियाना सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां औपचारिकताएं पूरी होने से पहले उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल ले जाने के आदेश दिए गए, जहां नवजोत सिंह सिद्धू और दलेर मेहंदी जैसे वीआईपी पहले से ही बंद हैं। सूत्रों ने कहा कि लुधियाना जेल के अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण आशु को रखने से इनकार कर दिया और उच्च अधिकारियों को बताया कि बेहतर होगा कि आशु को किसी अन्य जेल में रखा जाए। मीडिया की एक रिपोर्ट से लुधियाना के एक वरिष्ठ जेल अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आशु एक स्थानीय नेता हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में लुधियाना के एक वरिष्ठ जेल अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आशु एक स्थानीय नेता हैं और लुधियाना जेल के अंदर उनके दुश्मन और दोस्त दोनों हो सकते हैं। पटियाला जेल में वीआईपी कैदियों को अलग बैरक में रखने की समुचित व्यवस्था है, लेकिन लुधियाना जेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुरानी रंजिश के चलते लुधियाना जेल में आशु पर हमला हो सकता है और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी उनसे मिलने आएंगे। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया है। आशु को 22 अगस्त को सतर्कता ब्यूरो वीबी ने गिरफ्तार किया था, जब जांच में पाया गया कि कुछ ठेकेदारों को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान लुधियाना जिले की मंडियों से खाद्यान्न उठाने के लिए निविदाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी गई थी। सतर्कता ब्यूरो ने दावा किया कि स्कूटर, साइकिल, कार आदि को जारी किए गए फर्जी पंजीकरण नंबरों पर निविदाएं दी गई थी। इस बीच विजिलेंस ने बुधवार को आशु की पुलिस रिमांड में 3 दिन के विस्तार की मांग की थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया और पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।